ओके सो हेलो गाइस, फर्स्टली कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे हो। आई एम राहुल एंड वेलकम टू द एस्थेटिक पॉइंट। सो गाइस, एज पर द टाइटल इस वीडियो में हम फिजिक कंपैरिजन करेंगे इन बिटवीन ऋतिक रोशन एंड विद्युत जामवाल। एंड गाइस, ये वीडियो इस सीरीज़ की इन शॉर्ट ऑफ तीसरी वीडियो है। सो अगर आपने पहली दो वीडियोज़ नहीं देखी है सो इस वीडियो के बाद आप उसको चेकआउट कर सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके सो गाइस, एज यू नो कि एक्टर्स बॉडी बिल्डिंग पोजेस को हिट नहीं करते, इसलिए ये कंपैरिजन होगी बेस्ड ऑन द सिंगल मसल ग्रुप्स। एंड जो मसल ग्रुप्स हम कंसिडर करने वाले हैं इट इज़ द बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर, चेस्ट, बैक, मिड सेक्शन, फोरआर्म्स एंड लेग्स। एंड गाइस, लेग्स में हम लोग बस क्वाड्स को कंसिडर करेंगे। सो सीधा चलते हैं पहली मसल ग्रुप की तरफ एंड दैट इज़ द बाइसेप्स। एंड पहले बात करते हैं विद्युत सर के बारे में। सो गाइस, विद्युत सर उनके इनिशियल ईयर्स में बाइसेप्स में एक अच्छा पैकेज कैरी करते थे, आप देख सकते हो। बट लेटर ईयर्स में ड्यू टू सम बाइसेप इंजुरी उनके बाइसेप थोड़े से अनइवन एंड अनसिमेट्रिकल से अपीयर करने लगे। एंड वहीं पर अगर ऋतिक सर की बात करें सो ऋतिक सर टिल डेट एट द एज ऑफ 48 ईयर्स एक पावरफुल बाइसेप कैरी करते हैं विद साइज एंड दैट क्रेजी बाइसेप इंसर्ट्स। एंड इसलिए पहला पॉइंट मिलता है ऋतिक सर को। सो बात करते हैं दूसरी मसल ग्रुप की एंड दैट इज़ द ट्राइसेप्स। एंड गाइस, टॉकिंग अबाउट ट्राइसेप्स, दोनों ही अमेजिंग ट्राइसेप पैकेज कैरी करते हैं, जहाँ पर ऋतिक सर आप देख सकते हो उनके लॉन्ग हेड में एक अच्छा मास कैरी करते हैं। एंड मैं बोलूँगा कि उन्होंने साल दर साल स्पेशली उनके लॉन्ग हेड में बहुत प्रोग्रेस करी है। बट गाइस, जब हम एक स्कल्प्टेड बेसिकली एक तराशा हुआ ट्राइसेप की बात करते हैं, बेसिकली ए हॉर्सशू साइज ट्राइसेप, सो विद्युत सर गेट्स अ पॉइंट। आप देख सकते हो उनके दोनों हेड्स का वो इक्वल डेवलपमेंट एंड उनका ओवरऑल स्कल्प्टेड शेप। एंड नो डाउट ऋतिक सर हैज़ अ मास बट लैक्स दैट डेफिनेशन एज कम्पेयर टू विद्युत सर, इसलिए पॉइंट मिलेगा विद्युत सर को। सो आगे बढ़ते हैं एंड अगली मसल ग्रुप है शोल्डर्स। एंड पहले बात करते हैं ऋतिक सर के बारे में। सो बस ऋतिक सर उनके शोल्डर्स में एक अच्छा मास कैरी करता है, आई वुड से स्पेशली उनके लेटरल डेल्टॉइड में, जिसकी वजह से उनको एक ब्रॉड लुक मिलता है। बट गाइस, एज कम्पेयर टू हिज फ्रंट एंड हिज लेटरल डेल्ट उनका रियर डेल्ट थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड लगता है। वहीं पर विद्युत सर एक परफेक्ट राउंडेड डेल्टॉइड कैरी करते हैं, आप देख सकते हो, विद इक्वल डेवलपमेंट ऑफ ऑल थ्री हेड्स, जो उनके शोल्डर्स को एक 3D लुक प्रोवाइड करता है। एंड इसलिए ये पॉइंट मिलेगा विद्युत सर को। सो आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं चेस्ट के बारे में। सो गाइस, इन चेस्ट मैं दोनों को ही उतना एडमायर नहीं करता। लाइक ऋतिक सर का स्टर्नोकोस्टल हेड इन सॉर्ट ऑफ अंडर डेवलप लगता है एंड वहीं पर विद्युत सर की चेस्ट उतनी फुल नहीं लगती। बट अगर कंपैरेटिव बेसिस पर बात करें सो विद्युत सर कैरी अ गुड डेवलप्ड लोअर पेक्टोरल्स एंड वो ऋतिक सर से ज़्यादा एक हार्ड लुक कैरी करते हैं एंड इसीलिए ये पॉइंट मिलेगा विद्युत सर को। सो चलते हैं आगे एंड अगली मसल ग्रुप है बैक। एंड गाइस, ये मेरे लिए थोड़ा सा टफ होने वाला है क्योंकि दोनों ही एक मैच्योर्ड बैक्स कैरी करते हैं। एंड यही वजह है कि मैंने दोनों को ही बैक डिपार्टमेंट में टाइगर से ऊपर रखा, क्योंकि दोनों के ही पास वो मसल मैच्योरिटी का एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। सो पहले बात करते हैं ऋतिक सर के बारे में एंड मैं रेफ़र कर रहा हूँ उनकी ये वाली पिक्चर जिसमें आप उनके क्रेजी लैट इंसर्ट्स देख सकते हो। एंड अगेन ये पिक्चर जिसमें आप उनके लोअर बैक में क्रिसमस ट्री देख सकते हो। एंड वहीं पर अगर विद्युत सर की इन टर्म्स ऑफ बैक बात करें सो आँखों के आगे ये वाला सीन आ जाता है जिसमें आप उनके लोअर लैट्स में स्ट्राइशंस देख सकते हो एंड उनका एक ओवरऑल ग्रेनी लुक देख सकते हो। एंड ये एक बिहाइंड द सीन स्नैप है जिसमें आप उनकी बैक का एक ओवरऑल शेडेड लुक एंड कंडीशनिंग को विटनेस कर सकते हो। सो गाइस, मैं पर्सनली तो यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पाऊँगा कि पॉइंट किसकी तरफ जाएगा, क्योंकि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि ऋतिक सर ने स्पेशली इन बैक डिपार्टमेंट एक स्टैंडर्ड सेट किया है एंड विद्युत सर ने उस स्टैंडर्ड को रेज किया है। सो ये डिसीजन मैं कम्प्लीटली आप पर छोड़ता हूँ। सो बात करते हैं अगले मसल ग्रुप की एंड दैट इज़ द मिड सेक्शन। एंड यहाँ पर मैं डायरेक्टली पॉइंट दूंगा ऋतिक सर को, क्योंकि वो इंडस्ट्री में अनडाउटेबली वन ऑफ द बेस्ट मिड सेक्शन कैरी करता है। सबसे पहले तो उनका वो लॉन्ग टॉर्सो विद डीप एब्स एंड वो साइड कट्स विद सिराइटस जो उनके मिड सेक्शन को एक इंसेन लुक प्रोवाइड करता है। एंड अगर विद्युत सर की बात करें सो विद्युत सर भी एक डिसेंट एंड एक अच्छा मिड सेक्शन कैरी करता है, आई वुड से। बट कंपैरिजन वाइज ऋतिक सर कैरी मोर डीप एब कट्स देन विद्युत सर, इसलिए ये पॉइंट जाएगा ऋतिक सर के पास। फिर अगली मसल ग्रुप है फोरआर्म्स एंड पहले बात करते हैं ऋतिक सर की। सो वाइज, अगर आप उनके आर्म्स का ओवरऑल साइज़ देखें सो उनके आर्म्स के साइज़ वाइज ऋतिक सर उनके फोरआर्म्स में साइज़ लैग करते हैं, जो कि देखने में कंपैरिजन क्राइटेरिया से थोड़ा सा अनप्रोपोर्शनल लगता है। एंड वहीं पर विद्युत सर एक बैलेंस फोरआर्म कैरी करते हैं, आप उनके एक्सटेंसर मसल्स में सेपरेशन देख सकते हो। सो पॉइंट गोज़ टू विद्युत सर। एंड गाइज, इसी के साथ फाइनली द लास्ट मसल ग्रुप इज़ लेग्स। जिसमें हम बस कॉर्ड्स को कंसिडर करेंगे। एंड यहाँ पर डायरेक्टली पॉइंट जाता है विद्युत सर के पास, क्योंकि वी ऑल नो एंड मैंने ये बात मेरी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करी है कि ऋतिक सर को उनकी लोअर बॉडी की वजह से नहीं जाना जाता, उनको मोस्टली उनकी अपर बॉडी की वजह से जाना जाता है। एंड वो स्पेसिफिकली कॉर्ड्स में उतना साइज़ भी कैरी नहीं करते, आप देख सकते हो। एंड वहीं पर विद्युत सर कैरी अ पैकेज ऑफ साइज एंड डिसेंट सेपरेशन इन हिज कॉर्ड्स, इसलिए यह पॉइंट मिलता है विद्युत सर को। सो गाइस, इसी के साथ आते हैं वीडियो के कंक्लूजन की तरफ। सो हमने इन टोटल 8 मसल ग्रुप्स की बात की, जिसमें से ट्राइसेप, शोल्डर, चेस्ट, फोराम एंड लेग्स में विद्युत सर ने डोमिनेट किया। एंड वहीं पर बाइसेप एंड मिड सेक्शन में ऋतिक सर ने डोमिनेट किया। एंड जैसे मैंने आपको बोला था कि बैक डिपार्टमेंट में आप किसी को भी पॉइंट दे सकते हो। सो अगर हमने बैक डिपार्टमेंट में ऋतिक सर को भी पॉइंट दिया, बट फिर भी विद्युत सर टेक्स अ लीड विथ इन टोटल 5 पॉइंट्स एंड ऋतिक सर विथ इन टोटल 3 पॉइंट्स। सो इन टोटल विद्युत सर टेक्स अ विन फॉर टुडे। एंड गाइज, यहाँ पर हमारी तीनों कंपैरिजन वीडियोस की बेसिकली ट्रायलॉजी कंप्लीट होती है। सो अब से रेगुलर वीडियोस भी आएगी एंड उसके साथ में कंपैरिजन वीडियोस भी आती रहेगी। एंड अगर आपके पास कोई सजेशंस है रिलेटेड टू कि आपको अगली कंपैरिजन वीडियोस किन दो फिजिक के बीच देखनी है, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर चैनल तक पहुँच ही गए हो तो यही रुक जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड साइड में वो जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर लो, ताकि मैं जब वीडियो पोस्ट करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे एंड आप वीडियो को देख सको। एंड इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय।